ऐतिहासिक घटना है, 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी के समय की घटना। एक सिख का इतिहास में नाम आया है भाई साइया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस घटना को समझना कि विनम्रता होती क्या है। भाई साइया जी एक गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी डालकर बैठे रहते हैं, समाधि में लीन, किसी से बात नहीं करते, बहुत कम बाहर निकलते हैं, दिन रात सिमरन में लीन रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गांव के बाहर छोटी सी झोपड़ी बना के, झुग्गी बना के उसमें रहते हैं। छोटा सा खेत है अपना, खेती बाड़ी करते हैं, जितनी जरूरत है उतनी मेहनत करते हैं, अन्न उतना ले लेते हैं क्योंकि भोजन भी बहुत कम खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साधु स्वभाव है, गुरु हरगोविंद साहिब जी की कृपा उन पर हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समय आया कि आसपास के सभी गांव में सूखा पड़ गया, बरसात नहीं हो रही। लोगों को पानी भरने बहुत दूर जाने पड़ने लगा, सारे तालाब सब सूख गए, एक बूंद पानी नहीं, जानवर मरने लगे, पेड़ सूखने लगे, फसल खत्म हो गई, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है। परेशान हो गए लोग, आपस में बैठकर सलाह कर रहे हैं कि क्या करें। तो किसी ने कहा कि बाहर भाई साया जी कोई संत बैठते हैं झुग्गी झोंपड़ी में, सारे गांव वाले मिलकर उनके चरणों में अरदास करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो प्रभु को अरदास करें कि बरसात हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे गांव वाले मिलकर चले गए भाई साया जी के पास और जाकर बेनती की, पाछा भाई साया जी से कहने लगे कि तरस करो, हम गांव वाले सूखे से परेशान हैं, जानवर मर चुके हैं, अब हमारी बारी, अगर बरसात ना हुई तो या तो सारे गांव छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा, तो या तो यहीं पर रह के मर जाना पड़ेगा, आप कुछ करो, अरदास करो कि बरसात हो जाए, निरंकार बरसात डाल दे। तो भाई साया जी ने पता है वहां पर क्या वचन किए, कहने लगे इन गांवों में कोई बहुत बड़ा पापी रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई बहुत बड़ा पापी रहता है जिसके कर्मों की वजह से बरसात नहीं हो रही, उसके कर्म इतने खराब हैं, वो इस गांव से चला जाए तो बरसात पड़ सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये बात कह के भाई साया जी खड़े हो गए और अरदास की निरंकार के चरणों में अरदास करके चल पड़े। गांव वाले देखते रहे, गांव वाले चुपचाप देखते रहे, कहने के साधु हैं, मस्ती में आके कहीं चले गए होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर कुछ ही देर बाद बादल आए, ऐसी बरसात हुई कि जल थल करके रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे तालाब भर गए, सारे 3-4 दिनों तक बरसात होती रही, और जब सब इतने प्रसन्न हो गए, जब बरसात बंद हुई तो सब जो गरीब थे, गरीब से गरीब, वो भी अपने घर में कीमती सामान ढूंढने लगा कि भाई बस साया जी को जाके अर्पण करें, क्योंकि उन्होंने खड़े होकर अरदास की और बरसात पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु, धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना इस घटना को साथ संगत जी। भाई साया जी ने क्या किया, खड़े हुए, अरदास की और चल पड़े। और जब भाई साया जी ने दूर से देखा कि सारे गांव वाले कीमती पदार्थ लेकर आ रहे हैं, तो दूर से चिल्लाकर रोकने लगे, रुक जाओ मेरे पास मत आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अवस्था देखिए विनम्रता की, कहने लगे मैंने कहा था ना कोई बहुत पापी है जिसके कर्म बड़े खराब है, जिसकी वजह से बरसात नहीं हो रही, वो मैं ही हूँ। मैंने अरदास की निरंकार के चरणों में, गुरु हरगोविंद साहिब जी के चरणों में, 6वें गुरु नानक के चरणों में, और जैसे ही मैं गाँव से बाहर निकला, बाहर चला गया, बरसात हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अवस्था क्या है कि एक पुकार की निरंकार के चरणों में बरसात हो गई, ये अवस्था है। और मन कहाँ है,
कि मैं ही वो पापी हूँ जिसकी वजह से बरसात नहीं हो रही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझना, इतनी ऊंची अवस्था और मन कहाँ। इसे कहते हैं मन नीवा मत ऊंची। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन इतना नीवा रखा है कि मैं सबसे पापी, और मत इतनी ऊंची है कि एक अरदास एक पुकार निरंकार ने बरसात कर दी। ये होती है विनम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी संगत से कहा अगर कुछ देना है जिसने बरसात डलवाई है वो बैठा है हरिमंदर साहब में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री अमृतसर साहब जाओ गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में, वहां बैठे हैं वो, उन्होंने बरसात डलवाई है, मैंने अरदास उनके चरणों में की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिखानु सिखी दान, केश दान, दह दान, विवेक दान, विसाव दान, परोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। मन नीवा मत उच्ची।